तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हम आज बना रहे हैं एक मिनी ऑटो। तो आप लोगों के सामने दो ये डीसी मोटर जो दिख रहे हैं, और दो चक्का या बोल दो या पहिए बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, एक हमने लिया है ऐसा प्लाई बोर्ड जो देख पा रहे हैं आप लोग, कुछ इस प्रकार से। हमारे पास दो थे तो हम इसको दोनों ज्वाइंट करके एक कर लिया है। तो दोस्तों, चलते हैं बनाने की ओर। तो गाइस, अभी एक कंपोनेंट हमारे पास ये है जो ऑटो के आगे दो पहिए एक पहिए लगा रहता है। तो दोस्तों, देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से ये रनिंग करेगा गाइस। तो दोस्तों, चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की ओर। तो दोस्तों, इसको देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हमारा ये है। तो दोस्तों, इसको करते हैं इधर मेल्ट, थोड़ा सा डालते हैं ग्लू और दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से आपको हल्का सा ग्लू डाल देना है ताकि दोनों अच्छे से मेल्ट हो जाएं, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हम इसको इधर मेल्ट करते हैं ताकि दोनों बराबर अच्छे से मेल्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हमें इधर मेल्ट कर देना है ताकि ये बराबर टर्नेबल करे। तो दोस्तों, देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से ये वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, फांसते हैं इस डीसी मोटर को कुछ इस प्रकार, जो कि आप लोग देख ही पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसे भी इधर मेल्ट करते हैं बरोबर सा। तो दोस्तों, इधर भी डालना है हल्का सा ग्लू। तो दोस्तों, डालते हैं इसमें भी ग्लू और दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों, देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हल्का सा डाल देना है इसमें ग्लू ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो दोस्तों, देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हम इसमें बरोबर से अच्छे से मेल्ट कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, देख ही पा रहे हैं। सो गाइस, इसमें भी मेल्ट करते हैं। तो देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से आपको मेल्ट कर देना है। तो हमने इसमें अच्छे से पकड़ बना दिया है इसको, और बारी है दूसरी तरफ की। तो इसमें भी डालते हैं हल्का सा ग्लू और इसे भी मेल्ट बराबर सा कर दे रहे हैं, जो कि आपके सामने। तो दोस्तों, देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हल्का सा ग्लू डालना है और इसे भी बरोबर मेल्ट कर देना है। तो दोस्तों, देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से बरोबर मेल्ट करना है ताकि इधर उधर ना हो, ताकि कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार हमारा लुक बन के रेडी हो चुका है, जो कि आपके सामने है। तो दोस्तों, देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हम एक ऑन ऑफ के लिए बटन लगा लिया है, और इधर लिथियम बैटरी जो आपके सामने है। तो दोस्तों, देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार। अब बारी है दोस्तों डीसी मोटर की वायरिंग करने की। तो दोस्तों, चलते हैं मोटर की वायरिंग करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसा वर्क कर रहा है ये। तो दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, हमारी 1 तारीख से रिमोट कंट्रोल कार भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को, और एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को विद वीडियो बना के पर डे देने के लिए। तो दोस्तों, देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार हमने वायरिंग कर ली है जो आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, देख ही पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार हम नॉर्मल वायरिंग कर ली है इस पे। अब बारी है दोस्तों इसमें एक छोटी सी बाइक लगाने की जो चिल्ड्रंस लोग खेलते हैं। तो दोस्तों, देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हम एक बाइक को फिट करेंगे। तो दोस्तों, देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार हम इस पे एक बाइक फिट करेंगे जो थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा और अट्रैक्टिव लगेगा। तो दोस्तों, इसमें डालते हैं ग्लू और इसको इसे इधर मेल्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं इसमें ग्लू डालने की ओर। तो दोस्तों, हम बाइक को फिट कर लिया है। तो दोस्तों, देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से लुक दिख रहा है इधर से।
और दोस्तों इधर से ऐसे दिखेगा, तो दोस्तों देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार। अब बारी है दोस्तों इसकी टेस्टिंग की, तो चलो दोस्तों इसको करते हैं टेस्टिंग और दिखाते हैं आप लोगों को कैसे दिख रहा है दोस्तों। तो गाइस देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से वर्क कर रहा है, जो अभी हम इसको चलाकर भी दिखाएंगे। तो दोस्तों इसको करते हैं आप और देखते हैं दोस्तों इसको चला करके। तो दोस्तों देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से ये वर्क करेगा अभी। तो इधर ऑफ ऑन करना है इसको बटन को और देखना इधर से, देख ही पा रहे हैं दोस्तों आप लोग कुछ इस प्रकार से वर्क कर रहा है। एक सेकेंड भी नहीं लग रहा दोस्तों इसको। तो गाइस देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार वर्क कर रहा है। अब बारी है इसकी मैदान में टेस्ट करने की। तो दोस्तों इसको खुले में टेस्ट करते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसा वर्क कर रहा है। तो दोस्तों हम ओपन में आ चुके हैं, तो दोस्तों इसके बाद कब करते हैं एक बार टेस्ट और देखते हैं कितना स्पीड पकड़ रही है। तो दोस्तों देखना अभी, तो दोस्तों देख ही पा, तो दोस्तों फिर से एक बार टेस्ट करते हैं इसको और दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसा वर्क कर रही है। तो दोस्तों देख ही पा रहे हैं कुछ इस